टी20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 में दो टीमें पहुंच चुकी है, जिसमें पहली टीम बन गई है साउथ अफ्रीका, जो कि सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम है। वहीं दूसरी टीम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है दूसरी टीम, जो कि नामीबिया को हराकर इस सुपर 8 की क्वालिफिकेशन रेस में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं अब बात करें सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल की रेस की, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है अपने ग्रुप से, ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया है। वहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका की क्वालिफिकेशन की, तो तीन मुकाबले जीत चुकी थी साउथ अफ्रीका, और बारिश की वजह से, जो कि श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले में बारिश आई, उस वजह से साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर गई। वहीं अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम नामीबिया के खिलाफ जीत कर क्वालिफाई कर चुकी है, तीन मुकाबले उन्होंने भी जीते हैं। अब सुपर 8 की रेस में देखा जाए ग्रुप वाइज तो कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करने की तरफ हैं, तो उसमें सबसे पहले ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में इंडिया और यूएसए के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। अगर इंडिया ये मुकाबला जीतती है तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी, और आज ही हमें तीसरी टीम मिल जाएगी सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली। वहीं अगर यूएसए जीतती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का चांस कम हो जाएगा, और पाकिस्तान का चांस एक तरीके से हट ही जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताएं तो फिर यहाँ पर अभी पहले नंबर पर इंडिया की टीम है ही, लेकिन यूएसए और पाकिस्तान के बीच में एक फाइट है दूसरे नंबर पर आने की। वहीं ग्रुप बी की बात की जाए तो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, और जो दूसरी टीम है वो नामीबिया बाहर हो चुकी है, प्लस अगर देखा जाए तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीम के बीच में कांटे की टक्कर है दूसरे पायदान के लिए। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के पास अपर हैंड है। और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, और श्रीलंका की हार के बाद बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है और बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन अभी नेदरलैंड को भी पीछे नहीं रख सकते। तो अब देखना होगा कि सुपर 8 में कौन सी टीमें क्वालिफाई करती हैं। अभी फिलहाल दो टीमें हमें क्वालिफाई मिल चुकी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम है और साउथ अफ्रीका की टीम है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।